कोरोना से हमने ये सीखा, न अपने आए न हमारी दौलत काम आई। जिंदगी जीने के लिए जरूरत थी हमारी अच्छी इम्यूनिटी। अच्छी इम्यूनिटी और सेहतमंद रहने के लिए क्या हम आज भी सेहतमंद खाना खाते हैं? कहते हैं रागी बहुत ही सेहतमंद है, क्या हम इसका इस्तेमाल हर रोज करते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ आज की रेसिपी का। ये है एक बाउल रागी पाउडर। इसे एक कवर पर छानने से हमें उबले हुए पानी पर डालने में आसानी होगी। आप भी इसी तरह कवर पर ही छान के इसे रखें। अब एक बर्तन में डेढ़ बाउल जितना पानी उबालने के लिए रख दे। सेम बाउल का इस्तेमाल कीजिए जो हमने रागी के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें डाला है नमक और घी। इसे अच्छी तरह से मिलाइए और उबाल आने तक एक लोटी में थोड़ा सा पानी लेते हुए एक चम्मच रागी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक घुल बना ले और इस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से उबलने तक वेट कीजिए। जब ये उबलने लगेगा पानी, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आप सारा छाना हुआ रागी पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इस तरह करने से सारे रागी पाउडर अच्छी तरह से पक जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नहीं मैं क्या बना रही हूँ, अगर आप जान गए हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारा स्प्रेड करके रखा और 2 से 3 मिनट इस तरह से उबाल आने तक छोड़ दूंगी। बाद में इसे एक बेलन की मदद से फटाफट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस तरह मिक्स करने से ये देखिए एक भी गांठें नहीं बैठेंगे और सारा का सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और एक आटे की तरह बन जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 2 मिनट तक इसे ढक के रखूंगी लो फ्लेम में। बाद में गैस ऑफ कर देना है। अभी ये रेसिपी पूरी बनी नहीं है फ्रेंड्स, इसे एंड तक जरूर देखिए। अब मैं इसे घास से निकालते हुए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक प्लेट पर निकाल लूँगी। देखिए बहुत गर्म है, इसे गर्मा गर्म मत टच कीजिए। इसे टच करने के लिए आप थोड़ा सा ठंडा पानी लेते हुए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कहीं पर भी थोड़ा भी कच्चा ना रहे। इस तरह मिक्स करने से इसको सारा पानी लग जाएगा और हम इसे अच्छा शेप दे सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस तरह से गोल इसे शेप दे रही हूँ और छोटे छोटे बाउल ले रही हूँ। इसलिए छोटे छोटे बाउल ही आप स्टार्टिंग बना सकते हैं। अगर आप परफेक्ट है तो बड़े बाउल भी बना सकते हैं। मैं उंगली की मदद से इसे छोटा सा होल दूंगी। ये होल एकदम से नहीं बैठेगा, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। देखिए इस रागी के आटे को हमने सुंदर सा एक डोनट जैसा शेप दे दिया है। क्या आपको ये शेप पसंद आया? अब मैंने सारे एक एक करके इन्हें एक शेप दे दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसे स्टीम करूंगी। स्टीम करने के लिए हमें 5 से 10 मिनट इस तरह स्टीमर में रखना है और ऊपर एक वजनदार यानी कोई आयरन वाला पैन भी आप रख सकते हैं। इसे 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम में अच्छी तरह से स्टीम कर दें। स्टीम करने के बाद देखिए हमारे हेल्दी और टेस्टी रागी स्टीम डोनट्स रेडी। ये डोनट्स और भी टेस्टी लगेंगे जब आप इसके साथ सर्व करेंगे स्पिनच दाल, वेज करी, मटन करी या चिकन करी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्पॉन्जी बने हैं और ये आसानी से टूट रहे हैं और ये अच्छी तरह से पक गया है। फ्रेंड्स, ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। स्टीमर में रखने से ये गर्मा गर्म रहेंगे। जब भी आप खाना सर्व करेंगे तब गर्मा गर्म परोस सकेंगे और आपके पसंद की सब्जी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं सर्व कर रही हूँ एकदम यूनिक स्टाइल में। इस होल के अंदर मैं डाल रही हूँ घी और इसके साथ मैं परोस रही हूँ सूप। सूप की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद है तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी बना है। आप भी इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये बहुत ही अच्छी लगी तो अगर आप कुछ कहना चाहते तो आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी हेल्दी खाना एडवाइस कीजिए। आपके दोस्त भी तंदुरुस्त रहेंगे और आप भी तंदुरुस्त रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी। फ्रेंड्स, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। बाय बाय।